संसद में अगर निजीकरण ठीक है तो संसद का निजीकरण कर दीजिए आप, आरक्षण और निजीकरण में आपको फर्क नहीं पता चलता? नहीं, मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ। आपने बताया यार। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा। आपको निजीकरण और रिजर्वेशन में फर्क पता है कि नहीं? नहीं पता है मुझे। क्या पता है? लेकिन मेरी बात सवाल को आप घुमा रहे हैं। क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है कि मैं जो आज निजीकरण हो रहे हैं सारे क्षेत्रों का, बैंक का, रेलवे का, उसमें खास कर विशेष वर्ग को ही प्रभावित करता है। रिकॉर्ड करना जरा, ये रिकॉर्ड करवा बातचीत। विशेष वर्ग को ही प्रभावित करता है, सारे वर्ग को प्रभावित कर रहा है। देखिए, ये सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को प्रभावित करता है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, वो उनको इसलिए प्रभावित करता है कि उनको जाति देखकर नौकरियां मिलती है इस देश में, जाति देखकर शादी होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। किसी भी कंपनी में आप जाइएगा तो उसका सीईओ जो है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज का नहीं है, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में जाति देख कर नंबर दिए जाते हैं, तो वहाँ जब इतनी दिक्कत है तो जब आपके अपनी खेती हो जाएगी। जो सरकारी तंत्र है उस पर भी आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं। सवाल मैं क्या खड़ा कर रहा हूँ यार? आपको नहीं पता कि इस देश के सरकारी तंत्र में कौन लोग हावी और कैसे चला रहे हैं? आप जिस सरकारी आप बताइए ना, आप सरकारी जो तंत्र चल रहा है इस देश में, आप सरकारी जितने भी चुन के आते हैं, परीक्षा दे के एग्जाम दे के पास करके आते हैं, मेरिट लिस्ट के साथ आते हैं, आपके अंदर वहाँ भी धांधली होती है। मैं आपको सबूत दिखाऊँ क्या धांधली का? यूपीएससी से लेके जजों की भर्ती में कोलेजियम सिस्टम से भर्ती होता है, चाचा फूफा ताऊ को जज बनाया जाता है। आप बड़े भोले लग रहे हैं या बहुत शातिर हैं? नहीं नहीं, आपको नहीं पता है कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं नहीं, मैं देखिए मेरे, अरे आप, अरे सवाल पूछ रहा हूँ सर मैं। अच्छा, आप, आपका बपौती है क्या? आपके पिताजी लिखा के लाए कि आप ही पूछेंगे हम जवाब देंगे? नहीं सर, आप कितना पढ़े लिखे हैं? आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। अरे तो आपको नहीं पता है कि इस देश में सरकारी डिपार्टमेंट में कितनी धांधली होती है? अरे तुम इतने शातिर हो या बेवकूफ हो, दो में से एक हो, स्वीकार करो क्या हो? नहीं, नहीं, नहीं। आप बताओ, विजय माल्या पैसा आपके घर से लेके भागा या सरकारी बैंक का लेके भागा? बैंक के लेके भागा। तो गड़बड़ी बिना हुए उसको पैसा मिल गया? तो जिस तरह से आज, अरे पहले जवाब, तुम कह रहे हो कि सरकारी तंत्र में गड़बड़ी, सरकारी में गड़बड़ी नहीं होती है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं तो पूरे सरकारी, क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकारी तंत्र में गड़बड़ी होती? अरे तनी मनी गड़बड़ी है यार, कैसी बात कर रहे हो? इस देश का हर चीज, आपकी बहन की बेटी की शादी, हमारे बहन बेटी की शादी जाति देखकर होती है। जो आदमी लोग जाति देखकर बहन बेटी की हत्या कर देते हैं कि हमारी बेटी ने दूसरी जाति में शादी कर ली, तो उसको किल कर देते हैं, उस देश में वो जज बन जाएगा और वो जाति के आधार पर फैसले नहीं देगा? मतलब सुनो, 18 घंटा कोई आदमी जाति के हिसाब से सारा काम करता है, जज की कुर्सी पर जाके ईमानदार हो जाएगा? बड़े भोले आदमी हो यार, इनकी फोटो खींचो भाई। मैं अगर सवाल है, लेकिन क्या नाम है आपका? धीरज झा मेरा नाम है। धीरज झा, अब आ गए मुद्दे पर। आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी है? अरे सुनिए भाई, संवैधानिक बात कह रहा हूँ। इस देश में 5 कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल। इससे पहले मनुस्मृति जब था संविधान के बदले, तो 5 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, शूद्र, अछूत, वैश्य और क्षत्रिय। तो पहले वैसे देश चलता था, अब कैटेगरी से देश चल रहा है। इसी तो जाति धर्म को खत्म करने की, अरे जाति अलग है भाई, जाति आपकी पंडित ब्राह्मण हो, मैं कुर्मी हूँ ये जाति है, आप जनरल हो और मैं ओबीसी हूँ ये कैटेगरी है। थोड़ा पढ़ो पंडित जी। नहीं नहीं, मैं ये इस बात पर सवाल नहीं, पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं। अरे कैसे यार, नहीं नहीं, बपौती है क्या? अभी आपके पिताजी होशियार थे तो आप भी होशियार हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि, तो कैसे? अच्छा बताओ, आपने आप दे जाता क्या वाल्मीकि? फिर अलग डिबेट को मत ले जाओ, कौन किसको ऋषि का दर्जा दे रहा है सब। अच्छा बताओ, वाल्मीकि जी की फोटो है तुम्हारे घर में? अरे भाई क्यों नहीं है, है? अभी हम आपके घर चलेंगे सीधे यहाँ से। चलिए बिहार से भी। अरे जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे, चलेंगे। वाल्मीकि क्या, इस देश के जितने भगवान राम को मानने वाले लोग हैं उनके घर में, अपर कास्ट के घर में भगवान वाल्मीकि की तस्वीर है? लगाते हैं। अरे कितने लोगों के अंदर है? मैं तो लगाता हूँ, मैं तो भगवान मानता हूँ वाल्मीकि। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में वाल्मीकि नहीं माने, मैं तो मानता हूँ वाल्मीकि। पहली बात तो सुन लो, यहाँ धर्म का बहस नहीं हो रहा है। इस देश संविधान पढ़े हो? संविधान आप सुनो, अरे बहुत जरूरी है यार। आप मुझे, मैं जो सुनो, पेट से होशियार नहीं होता आदमी, मैंने बात सुनो। अरे बात तो सुनो पंडित जी, बात सुनो पंडित, बढ़िया तमगा दे रहा हूँ। पंडित मतलब होता है विद्वान। कहना शुरू कर दूँ झा तो तुम्हारी जाति पता चलेगी। मैं जो कह रहा हूँ सुनो, इस देश में संविधान में मौलिक अधिकार है धर्म का। मैं किसी भी विचारधारा को मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, ठीक है? मैं बुद्ध को मानूँ, मैं सनातन को मानूँ, मैं क्रिश्चियन हो सकता हूँ, मेरा जो अधिकार मन होगा वो मैं करूँगा, ठीक है? लेकिन इस देश की विडंबना ये है कि सरकारी संस्थानों पर बैठे हुए लोग
धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने कहा, जिस तरह बिहार का जिक्र कर रहा था, मैं भी बिहार से आता हूँ, कि लालू बिहार कोई भारत से बाहर थोड़ी है, हम सब भारतीय हैं। सर आप मेरी बात तो बताइए, लालू यादव, हाँ लालू यादव का जिक्र कर रहे थे, उसमें से चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे थे, लेकिन उसे चरवाहा विद्यालय के तहत कितने सारे घोटाला हुए आपको पता ही होगा, लेकिन आप उसका प्रोत्साहन, कहाँ रहते हो आप? मैं तो दिल्ली में, अरे मेरा वीडियो सब दिल्ली में रहते हो, अपने अपार्टमेंट में जाना और 5 घर लेफ्ट और 5 घर राइट सर्वे करना कि किस बिरादरी किस कैटेगरी के लोग का घर है, और उसमें से अगर 5-10 घर का सर्वे करना, 10 में अगर 3 भी SC ST OBC या माइनॉरिटी का घर मिल जाए तो मुझे आके बताना। इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी मीडिया जुडिशियरी और शहर पर जाति विशेष का लोगों का कब्जा है, ये किसी ने भगवान ने किया है, ये बेईमानी से किया गया है। इस देश में सारी कंपनियों में अब जनरल कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, 16 के 16 जज जनरल कैटेगरी के हैं, सारी PSC कंपनियों के चेयरमैन जनरल कैटेगरी के हैं, वन से टॉप कैबिनेट मिनिस्टर जनरल कैटेगरी का, ये भगवान करता है। पेरियार की एक लाइन है, बाबा साहब की लाइन है, मैं बाबा साहब को मानता हूँ कि मैं उस धर्म को लात मारता हूँ जो मुझे नीच कहता है। वर्ण व्यवस्था में कोई किताब पढ़े हो, पुराण पढ़े हो? नहीं, कुरान नहीं पढ़ा। पुराण कितने पुराण है? 18 पुराण है, 4 वेद है। रामायण में कितने श्लोक है? रामायण में कितने श्लोक? मुझे याद नहीं है। महाभारत में कितने श्लोक? नहीं, याद नहीं है। गीता में कितने श्लोक? याद नहीं है। एक दिन पंडित जी पढ़ लेना, ठीक है? सुनो तो भाई, पढ़ लेना, पता चलेगा सबसे ज्यादा तुम्हारी जो बहन बेटी और माँ है ना, उसके अधिकार के खिलाफ है ये धर्म ग्रंथ। जो सनातन व्यवस्था में महिलाओं के लिए स्कूल नहीं था, सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहले स्कूल खोला। आज जो आपकी बहन को पिता और पति की संपत्ति में अधिकार है, वो ये संविधान देता है, जिसको हिंदू कोर्ट बिल कहते हैं। आप समझिए ठंडे दिमाग से, हम लोग जाति खत्म करना चाहते हैं लाजी। बात तो मैं कह रहा हूं, और लालू यादव ने उसी जाति को खत्म किया था, इसलिए उनको ही इज ए पोलिटिकल रिवेल, वो राजनीतिक योद्धा थे जिन्होंने सवर्णों की लगातार जो लीडरशिप आ रही थी उसको ख़त्म किया था कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव ने, इसलिए उनको जेल में। अब मैं आपका खेत जोत लूँगा तो आप तो ऐसा है नहीं कि बदला नहीं लोगे, उन्होंने तो सत्ता हथिया ली थी, तो उन पर चोरी का क्या? इस देश एक लाइन में मैं इस देश के तमाम SC ST OBC के लोगों को कहना चाहता हूँ, जिस नेता को इस देश का सवर्ण समाज गाली दे, इस देश की मीडिया गाली दे, इस देश का जुडिशियरी दोषी ठहराए, वो नेता समझ लो कि तुम्हारे पक्ष वो हितैषी है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, लालू यादव हो, मायावती हो, या अखिलेश यादव हो, या करुणानिधि हो, MK स्टालिन हो, चाहे शिबू सोरेन हो। इस देश की जो मीडिया है ना, सबसे ज़्यादा जातिवादी, बेईमान, करप्ट और भ्रष्ट है। इसलिए इस देश के मीडिया का जिस दिन हम लोगों ने बायकॉट कर दिया, उस दिन इस देश की स्थिति, डेमोक्रेसी अच्छी हो जाएगी, लोकतंत्र अच्छा हो जाएगा। इस देश के लिए सारी कुव्यवस्थाओं गड़बड़ियों के लिए जो जिम्मेदार है वो इस देश का टीवी और अखबार है, क्योंकि मैंने वहाँ 12 साल नौकरी की है और मैं जानता हूँ। और उसी वजह से ये लोग मीडिया जुडिशियल, अब जो जातिवाद है ना वो हमारे आपके गाँव में नहीं है, अब पावर सेंटर्स पर है, मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो ये जो क्रीम नौकरियां हैं वहाँ जातिवाद है, और इसीलिए ये तमाम कंपनियों को बेचा जा रहा है, क्योंकि वहाँ काफ़ी संख्या में मेरिट के दम पर SC ST OBC के लोग आ रहे हैं, जनरल की सीटें पर कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत कश लोग हैं वो लोग हैं। मेडल कौन लोग जीत के लाए ओलंपिक में, पता है आपको? किसानों के बेटे हैं जो खेती करते हैं, जो पेट जिसका फूला रहेगा खा खा के वो मेडल जीत लेगा। पेट किसका फूला हुआ है बताओ? नहीं, आप देखिए किसान, अच्छा किसान का पेट फूला है? नहीं, किसान का, अरे किसान का पेट फूला रहता है? आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अरे आपका बात हमारे बाप दादा सुनते थे, नहीं अब नहीं सुनेंगे, ये भरम में मत रहो, अब बात सुनने की तैयारी करो। हमारी नस्ले कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंची आ रही है, बहुत तुम लोगों ने बात सुना लिया भाई, सुनो तुम्हारे बाप दादाओं ने, ज्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, नौकरी खेती करना बड़ा अच्छा नौकरी है, तुम खुदे शहर में आ गए, समुंदर लांगना पाप था तुम विदेश चले गए, मंदिर से दान पेटी का चाबी तुम्हारे पास है, हमें क्या बेवकूफ़ हिंदू समझ रहे हो कि हम खाली चढ़ावा चढ़ाएं? हमें पुजारी बनाओ, दान पेटी की चाबी दो जो MK स्टालिन ने किया है तमिलनाडु में, सब पुजारी होगा, एग्जाम होगा, हर जगह आरक्षण लागू, सुनो तो भाई, सुनिए आप ही काम सुन रहे हैं, सब जगह आरक्षण लागू होगा, जो 90% है उसको हिस्सादारी 90% मिलनी चाहिए। सब ये देश तभी बेहतर देश बनेगा जब इस देश में सब बराबर होगा। जाके अगर ईमानदार आदमी हो,
इंसान हो, जमीर है तुम्हारे अंदर, तो जाके सब्जी बेचने वाले का सर्वे करोगे किस जाति के लोग हैं, ठेला चलाने वाले का सर्वे करो किस जाति के लोग हैं, और जो कलेक्टर एसपी बन के बैठा उसका सर्वे करो किस जाति के लोग हैं। और ये मत कहना कि मेरिट है, उसके बाप दादाओं ने बेईमानी की है 7 नस्लों तक, जो अंग्रेज के गुलाम थे, चाकरी करते थे, पैर धोते थे।